लाइट देना पड़ेगा, हम ब्लड चालू रखिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, मस्त सुबह हो चुकी है और आपने कल देख ली एंगेजमेंट और आज देखने वाले मंडप मुहूर्त और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबको अच्छी कमेंट्स आ रही है। बस इसी तरह हर रोज एक एक पार्ट में आपको पूरी शादी एंजॉय करवाएंगे और मस्ती वाला सफर उस दौरान जो जो भी हुआ होगा, उस टाइम जो जो भी मस्ती हुई होगी, जो भी तकलीफें होगी, वो शेयर करने में मज़ा आता है हमें भी और आप सबको भी। एक अटैचमेंट होता है हम सबको, एंड में मज़ा आएगा। खास कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपका प्रश्न है हम खास वहीं पे जवाब देते जाएंगे। मैं देखो बहुत सारी मौसम भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे मुझे रस निकालना है, आरू रुई को पीना है, दोनों को बहुत अच्छा लगता है। क्यों मस्त है? अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों साथ में बैठ जाओ, चलो रस निकालते हैं और दोनों को पिलाते हैं। तो अभी बजे सुबह के 11, मैं और मम्मी अभी खाना बना रहे हैं। दोपहर के लंच का प्रिपरेशन चालू कर दी है, मैंने बनाई है और यहाँ पे सब्जी भी मस्त रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे देखो मम्मी भी आ गई साथ में। मम्मी गुड मॉर्निंग, जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण, कैम छो? बस मजा से। काला क्या क्या फरी है? वाह, काले अमरेली गया था, मूवी जोवा गया था। हारू करियो, मूवी जोवा गया, ई मने बहुत ગમી। ક્યારે ક્યારે ફરતું રહેવાય, એન્જોય કરતું રહેવાય તો આપણો મગજ ફ્રેશ થઈ જાય। અને તમારે જોડે આવો ક્યારેક ક્યારેક? નહીં, ક્યારેક માં તમે નાના છો, તમે જાવ આવો, અને ક્યારેક તો જવાય ને આપણે, પપ્પા ટેન્શન થતું કે પપ્પા નું કોણ બનાવે, કઈ ઉપાધી નતું, તાર જલસા કઈ બધે જાવ આવું, બે જણા હરો ફરો આપણે જવાનું છે હજી ફરવા, જવાનું બાકી છે હજી। જુનાગઢ ગમે ને જવું છે, એક દિવસ જઈએ આપણે સાથે બધા, આપણે જવું છે। કાકા પૂનમ થાય ને હળવું પડે ને, હા માણસો થોડા અત્યારે બહુ ભીડ છે બધી જગ્યાએ, પછી ઓછું પડવા જાય ને। હા હું તમારે ભેળે જ છું, ગમે ને જવું હોય, આ તે ઘરના કામમાં બહાર બધે। તમે નાના છો, તમે અલગ જઈએ, અમે અમારી રીતે જવું, કે આપણે જોડે જઈએ। એમાં શું થઈ ગયું? છોકરી હાટો લીધા ચપ્પલ કે ભૂલી ગયું? રાત પડી ગઈ, મોડું થઈ ગયું, રાતે હું નાસ્તો કર્યા હતા, પેલા રસોઈ કરીને જવું, આવીને કરવું આવીને કરવું પડે, છોકરીઓ હોય થાક લાગે, થાકી જાય, હેરાન કરે, ન જઈ શકે। હવે તમારે હવે તમે એના એટલે કઈ ટેન્શન નથી, તમારે ટેન્શન ફ્રી ફરો, જા જાવ ને સુટી તું, ખાલી કહી દેવું મમ્મી અમે જાવ જાવ। सभी पालक की भाजी बनने जा रहे हैं, काफी yes. लोगों की कमेंट थी कि आप भाजी क्यों नहीं बनाते yes. तो किंजल बोल रही कि सब्जी क्यों नहीं बनाते, वो भी कमेंट आई थी। हाँ बनाएंगे धीरे धीरे, वो बनाएंगे। आज पालक का पान बहुत बड़ा बड़ा हो चुका yes. है। दूसरी तरफ आप सबका पार्सल रेडी हो रहा है बहुत ज्यादा, वो भी आपको दिखाते। और यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं अभी पालक, किंजल फटाफट कटिंग करने लगो, ताजा ताजा पान बहुत बड़ी हो गई, मस्त है। तो भाजी आज दिखाएंगे और साथ में आज है मंडप मुहूर्त। हाँ कल सगाई हो गई, हो गई, सबने बहुत कमेंट किया, अच्छी अच्छी हाँ। बहुत अच्छा भी लगा। हाँ चलो फिर पालक कटिंग मार देते हैं, रेसिपी बनाते हैं, उसके बाद भाई मंडप मुहूर्त में जाना है। मजा आ रहा है सब लोगों को, ब्लॉग के एंड में रखेंगे, सब लोगों को मजा आ रहा है वही कमेंट कर रहे हैं कि ब्लॉग भी देख लेंगे और उसके बाद हम शादी भी देख लेंगे, दोनों साथ में चलाएंगे ताकि आपको मजा आए। उससे पहले हम पालक बाजू बाजू बना देते, उसके बाद आइए आपको थोड़ा पार्सल का नजारा भी दिखा देते हैं। पार्सल यहाँ पर फटाफट बन रहा है और सबका निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा पार्सल होता जा रहा है, आज भी अभी भी निकल रहा है। अभी ये काफी पार्सल है वो बस में भी भेजना पड़ रहा है, तो ये पार्सल सारा बस में जाएगा। अयोध्या देखो, अयोध्या का पैकिंग इस तरह रेडी करने लगे हैं, अयोध्या भी आने लगे हैं। कल एक गाड़वा निकल गया है, वो बाहर पूरा फॉरेन का था इसलिए, लेकिन इस तरह पैकिंग करके अयोध्या रेडी कर रहे हैं। जिस किसी को ऑर्डर देना है इस नंबर के ऊपर दे सकते हैं। लच को इस तरह हम भरेंगे और ब्लैक तल का कचरू भी हम जल्दी रेडी करके भरना शुरू कर देंगे। तो बस इसी तरह अयोध्या भी रेडी होता जा रहा है। अयोध्या लच को इसके अंदर सूट, जावेंद्री, गोंद जो अयोध्या के लिए बेस्ट है, वो पूरा शेक के रेडी कर दिया है और अयोध्या का लचका रेडी करके हम भेज रहे हैं। हर रोज अयोध्या बनना हो जाएगा शुरू। अरे वाह रूही की पांचों उंगली में मस्त वीटी पहनी है, मस्त लग रही रूही। यहाँ पर काथरोट में पूरी पालक से भर दी है, मस्त ताजी ताजी, इतनी है ना, इतनी हो जाएगी, इतनी से इतनी हो जाएगी। यस ओके, और कितनी काटना है अभी? बस अभी बड़ी बड़ी निकाल देते हैं। अच्छा ओके, इस तरह किंजल पालक कटिंग करती रहती है। अरे वाह मस्त पान कटिंग करके
पूरी कातरोट भर दी है। चलो फिर तो अभी चलो किचन की तरफ चलो। ओके बना दो फिर, ठीक है, पालक की भाजी, शाबाश। पालक धो रही है जोरदार, मजा आ जाए वैसा, पूरा रेडी कर दिया है, काथरोट में डालती जा रही पालक, मतलब पालक। डेबली भजन कीर्तन कर रहे। अरे तू गा तो बहुत सरस गए। पालक का मस्त कटिंग, पूरी काथरोट की भाजी बनाएंगे, साथ में क्या बनाएंगे आज? रोटला। अरे वाह, इतना से मस्त बनाते, इतना मस्त बना, छोटा छोटा और करकड़िया, इसलिए मजा आएगा। भाजी तो बहुत मजा, हाँ डब्बू रहा तो। और यहाँ पर भाजी बनाकर रात को फ्री होकर हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेगा, ठीक है, मजा आ जाएगा। खेड़ पूछे पालक का एक केरा तो हमारा बहुत ही बढ़िया जा रहा है, और मेरे पापा ने यहाँ पर दूसरी खेड़ कर दी है, यहाँ पर दूसरा भी लगाएंगे ताकि दूसरा भी बहुत ही मस्त हो जाए। रूही भी यहाँ पर खेल रही है। ये है पालक के बीज, अंदर छटकाव कर देना इस तरह, देखो मेरे पापा डाल रहे हैं, उसके बाद केरा बुर देना है। जय श्री स्वामी नारायण। चलते है मिठास देखते है भाजी की। अरे वाह भाई वाह, मैं खास इसीलिए आया कि भाजी का क्या हाल है, और भाजी तो बहुत ज्यादा में से बहुत छुट्टी सी हो गई। भाजी हम जो बाहर से लेते हैं ना वो छुट्टी छुट्टी रहती है और तुरंत नहीं पकती। हाँ हाँ, तो पता नहीं 5 मिनट में पक गई। मेरे मम्मी ने बोला कि देखो घर का इतना मतलब फर्क पड़ता है। हाँ हाँ, बाहर का और घर का ये पक फटाफट जाते पक गई, बाहर से लेते हैं ना वो छुट्टी छुट्टी रहती है, तो ऐसे घुल मिल नहीं जाते। तो तुम सोचो कितना केमिकल होगा, और काफी ऐसी भाजी और कोथिमी ऊपर के ऊपर क्या करते है वो केमिकल छिड़कते हैं ना, तो ताजा हो जाती है। वैसा वीडियो भी देखा था, तो बहुत ही खतरनाक बाहर हो गई। हाँ ये अच्छी बात है कि हम घर का खा पा रहे हैं, बाकी बहुत ज्यादा ऐसे घर है जो नहीं खा पा रहे ऐसे घर के, क्योंकि बाहर जो भाजी आती है ना वो लोथ पोथ होती है, उसके ऊपर पता नहीं कैसा केमिकल डालते हैं, तो एकदम ताजा हो जाती है घर की, कितनी मतलब अच्छी। हाँ तो भाई ये हमारे घर की मस्त पालक भाजी, प्योर ऑर्गेनिक बिना दवाई की, तो इतना खा पाते हैं। बाकी विराली की बहुत बढ़िया कमेंट आ गई, सब लोगों ने प्यार दिया, विराली का दर्द समझा, लड़की का तकलीफ क्या होती है, तो बहुत ही बड़ी बात है, और होती है ना उसको ही पता होता है। हाँ तो बाकी सब लोगों ने प्यार दिया, सराहना दिया, आशीर्वाद दिया, जो अच्छा अच्छा हो जाएगा आगे। चलो तो सामे खोजतर पियो तो मुखी दे, तू सामे तो मर पियो, मन सा नहीं आवड़ता, उसा बना उन पे मेहमान भोगी जाए, आओ तो नहीं घेरे बिजर, आओ तो नहीं, तू इंग्लिश में ठो एक नौका ठेवाड़ी में, इंग्लिश में हूं ठोके तो मैं नहीं बियो पाता, ये उसने भाई ना सामने कर दे इंग्लिश में हूं रखे भी रखे भी खबड़ का लेन पीऊ। हां खबड़ का, ये देसी खबड़ का, खबड़ का लेन पर मजा आ रहा नहीं मौज बड़ा, सो तू हूं वाईगु तुमने यार, रोयू आ वाईगु आ डाट करू पर रोयू वाईगु रोय, रात में खोड़ा लसणिया भज्जिया भजिया में लसन था उनको पता नहीं, और उनको सबने खिला दिया, परसों की खबर, एमा का फ्लेवर बहुत सारा साथ में लाउ थी, सुबह सुबह क्या बोलते हैं दर्शकों, भजिया तुम किया ना वो इतना मस्त था, इतना मस्त था, स्मेल बहुत अच्छी आती थी, स्मेल बहुत मस्त आती थी, तो वैसा मुझे बता क्या क्या डाला था, लसन डाला था तो चमके, मतलब उसने 30 साल से लसन नहीं खाया, क्योंकि भगवान को भोग लगाते थाल धरते ना, फुआ ने आग्रह करो, फुआ एडे दा भी दीधु, फुआ नो वाक छे, फुआ ने खबर नहीं का मां लसन छे, आ तो ये पछी एनी मिस्टेक, भाई एनी मिस्टेक, फुआ खाय छे ने भजिया हारा नोता, आ तारियो ने सारा पहला बहुत सारा, पहला बहुत सारा था, आनु एडिटिंग करबो नहीं, भजिया सारा नोता, आ सेंटेंस नो एडिटिंग करू ने, डू नॉट डिलीट दिस सेंटेंस, दिस वॉइस ऑर्डर, ओके तो ये हम कंट ये रखेंगे हम, लेकिन फुआ को भजिया एक भजिया खिला और फिर जो मजा आया पूरी नींद उठ गई और बैठ गए, लाओ 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 भजिया, लाओ लाओ लाओ, पूरी डिश खा गए, सुबह उठ के बोला क्या भजिया था यार, फिर बोला लसन था, मुंह बिगड़ गया, चटनी मस्त थी, चटनी मस्त थी।
तो हमारे फुआ बीच में बैठ गए जो पूरा जिम्मेदार है। राजा धीराज हो चुके हैं, कहीं को खिला दिया नहीं, राजा धीराज नगर के राजा धीराज हमारे फुआ श्री 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 हिचका ऊपर पधार के दो स्प्रिंग का थोड़ा हिचका पौड़ा करके बैठ गए। सौथी पेलिशन है मारे एज अ टीचर आई वांट टू टीच दिस पर्सन परफेक्टली हिंदी लैंग्वेज। परफेक्टली हिंदी बोलू हम? हाँ बाबा हिंदी बोले। अच्छा बाबा हिंदी में लोगों ने मजा आवे, परफेक्ट बोलू तो लोगों ने मजा नहीं आवे। हूने कुमार नो एवुं छे के जितलो बाबा हिंदी करो तो बहु मजा आवे। काका श्री पधार्या लागे गोटा पप्पा राते खाई लीधा रूम मां गळकी गई बधुं। એ પપ્પા લસણ ખાતા ન હોય ને લસણ ને એમ ખબર નહીં પડી હોય, તમને ખબર પડી જાય, ખબર પડે તમને ખબર કેમ ના પડી, એટલી સરસ કઈ ખુશબુ આવે અમે લઈને પછી મને મોકલ, હવે એ ખુશબુ નું શું કરું પાછું, નહોતું નહોતા ને નહોતું ભાઈ તમને ઈટ્યા એટલે તમે ઈટી નાખ્યું, ઈટી નાખ્યું એટલે ખબર છે ને ખાઈ નાખ્યું, ખાઈ નાખ્યું। તો ચલો મમ્મી સે મુલાકાત કરતે હૈ, તો મમ્મી યહાં પે મસ્ત મસ્ત બાજરી કા રોટલા બના રહે હૈ। અરે વાહ શું વાત છે મમ્મી, રોટલા ને મસ્ત મસ્ત ભાજી ભાજી, પેલા તો ગઢિયા ત્રણેય ટાઈમ રોટલા ખાતા, ઘઉં બિસારા ને જોવાનો જોવાનો મળે, તને રોટલી ખાવે તો નો મળે, તો વિચાર કરે ઓલા ત્યારે સમેટી ના ઘઉં મળતા એમાંથી રોટલી ખાતા, અને એ સવારે સવારે ક્યારેક ક્યારેક ભાખરી કરે, મહેમાન આવે તો ખીચડી કઢી ને રોટલા, બાકી ચાજે તો રોટલા જ ખાતા લોકો, કેમ કે ગામડામાં બાજરી જ હોય એટલે બસ રોટલા વાળી, રોટલા ને કઢી અને રોટલી દાળ ભાત ને શાક ને રોટલી કરે નવાય નવાય લાગે, પપ્પા કરતા હોય અઠવાડિયે એક વાર કરતા, હવે થી કોમન થયું બધું, હવે તો મંચુરિયમ ને ઢોસા ને એવું બધું ભાવે બધા, કોઈ વસ્તુ નવાય નહીં, પેલા તો દાળ ભાત કરતા એમ નવીન લાગતું કે નહીં કઈક બનાવ્યું છે, હવે તો આપણે રોટલા એમ થાય કે બે દિવસે શિયાળો છે ને એટલે ભાવે, રોટલા બહુ મસ્ત લાગે, અને એમાં નાના છોકરાને રોટલા સૂરમું કવરાઈને ખાવી, હા ઘી ગોળ નાખી ગોળ અને રોટલો સોળી ખવડાવો ને અથવા તો દહીંમાં, હા બહુ ગણ કરે, બહુ જ ગણ કરે છોકરાઓને, સવારમાં રોટલો અને દહીં એવું ખવડાવો તો મજા આવે, હા સરસ લાગે। તો દેખો યા બેટી પાર્ટી ફો રહી હૈ, મસ્ત મસ્ત રોટ લાગી, ઓર યહાં પે અભી પક રહા હૈ, ઓર યહાં પે દૂધ ગરમ હો રહા હૈ, યહાં પે સબ ખાને કી સબ ચીઝ નીચે ડાલ દી હૈ, શાક ઓર દાળ ઉપા કર, રોટલો ઇન જોડે બહુ મસ્ત લાગે, અભી મસ્ત રોટલા બન ગયા હૈ, તો અભી દર્શકો બહુ ભૂખ લગી હૈ, चलिए फ्रेंड्स बिना देर की अभी चलते हैं मंडप मुहूर्त पे और आज की विधि देख लीजिए, उसके बाद वापस मिलते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि
ना गवाना। हे जीवा गुण तो गोविंद ना गवाना, हे जीवा गुण तो गोविंद ना गवाना। ओ नाथ तुम्हें तुलसी ने पांदड़े जुड़ाना, ओ नाथ तुम्हें तुलसी ने पांदड़े जुड़ाना। बस कुछ इस तरह पूरा हमारा मंडप मुहूर्त का विधि जो है वो खत्म हुआ। और कल वापस, कल जो है वो छाकड़ा बधाने जाना है, उसके बाद रात को पीठी का प्रोग्राम है। और अमरेली से ढग आई थी और पटेलवाड़ी में खाना पीना, धमाल मस्ती, जयदीप कुमार, सारिका, रिंकू, सब परिवार आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा हमारी शादी में। तो कल तीन विधि एक साथ आपको दिखाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट मस्ती करते करते, कोई लंबा चौड़ा नहीं। स्पेशल मेन मेन विधि के ऊपर फोकस करेंगे, मेन मेन फुटेज के ऊपर फोकस करेंगे और फटाफट आपको ये सारी विधि दिखा दे जाएंगे। तो बस आज की विधि मंडप मुहूर्त की कैसी लगी खास कमेंट कीजिएगा। वापस कल जल्दी जल्दी मिलेंगे, और बीच में कमेंट्स करने का या फिर बोलने का कोई मौका नहीं मिलता। ऐसे मस्ती से मैंने एडिट किया तो सॉन्ग में बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऐसे ही आपको दिखा दिया। तो बस मजा आ गया हो तो खास कमेंट कीजिएगा। वापस तीन विधि के साथ अगला सेशन होगा शुरू कल के ब्लॉग में। तब तक लाइक, शेयर और खास सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।